हाँ जी, तो अगर आप लोग सीयूईटी एग्जाम देना चाहते हो, मीन्स कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इस वीडियो में लोग इसके लेटेस्ट अपडेट डिस्कस करेंगे। एंड कुछ बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि उनकी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कब रिलीज होगी, क्या उसकी लास्ट डेट रहने वाली है, एंड एग्जाम अपडेट वगैरह के बारे में। तो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड सारी चीज़ें आपकी जितनी भी डाउट वगैरह होगी सीयूईटी एग्जाम को लेकर सारी क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो जो आप लोग की सीयूईटी एग्जाम की डेट जो एनटीए ने रिलीज करी है एकेडमिक कैलेंडर में, वो करी है 21 मई से लेकर 31 मई के बीच में। तो जो आप लोग की एग्जाम वगैरह है वो 21 मई से लेकर 31 मई के बीच में कंडक्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, अगर बाय द वे कोई भी रीजन के वजह से आप लोग की एग्जाम वगैरह नहीं हो पाती है, देन जून से 1 से लेकर 7 जून के बीच में इन्होंने रिजर्व डेट रखी है। अगर मई में आप लोग की एग्जाम नहीं हो पाती है, देन जून भी में आप लोग की हो जाएगी विद इन फर्स्ट वीक ऑफ जून में इन्होंने रिजर्व डेट रखी है। तो आप लोग को पता चल गया कि आप लोग की एग्जाम तो कन्फर्म ही है, या तो अगर आप लोग की 21 मई से लेकर 31 मई के बीच में होगी, या फिर आप लोग के जो जून में उन्होंने रिजर्व डेट दे रखी है 1 जून से 7 जून इसके बीच में होगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट इन्होंने बताई है कि जो आप लोग की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी, मीन्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म या आप लोग अप्लीकेशन फॉर्म भी बोल सकते हो, वो रिलीज हो जाएगी फेम में। तो फेम में फर्स्ट वीक में आप लोग की अप्लीकेशन फॉर्म वगैरह रिलीज हो जाएगी एंड आप लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हो अभी से 1 मंथ बाद आप लोग की अप्लीकेशन फॉर्म सीयूईटी की रिलीज हो जाएगी। एंड उसकी जो लास्ट डेट उन्होंने दे रखी है, वो दे रखी है 4th वीक ऑफ मार्च, मीन्स मार्च 4th वीक तक आप लोग अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अराउंड आपको 2 मंथ का टाइम दिया जाएगा, आप लोग आराम से अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो जो आप लोग की एडमिट कार्ड होगी उसकी भी डेट इन्होंने बता दी है कि जो आप लोग की एडमिट कार्ड होगी वो अप्रैल में रिलीज हो जाएगी। मीन्स फेब से मार्च तक आप लोग अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो, अप्रैल में आपकी एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगी एंड मई में आप लोग एग्जाम वगैरह दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इन्होंने रिजल्ट की भी डेट दे रखी है, जो कि रिजल्ट है वो आप लोग की एक्सपेक्टेड है कि 4th वीक ऑफ जुलाई तक आ जाएगी। मीन्स आपकी अगर आप लोग मई में एग्जाम देते हो, देन 4th वीक ऑफ जुलाई तक आप लोग की रिजल्ट वगैरह है वो आ जाएगी। एंड उसके बाद आप लोग की जो भी कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो, जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, उसमें एडमिशन ले सकते हो सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी।